मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां पर एक प्रोटेस्ट किया गया है। गोरखपुर में जो घटना हुई है ऑक्सीजन की वजह से जिन 60 बच्चों को मारा गया है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां पर काफ़ी प्रदर्शन हुआ है और जो 60 बच्चे मारे गए उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। इस समय मोमबत्ती जलाकर उन बच्चों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो 60 बच्चे ऑक्सीजन की वजह से मारे गए। कुछ लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या राय है उनकी इस ये जो पूरा कांड हुआ है गोरखपुर में। देश में जिस तरह से सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं तो हम कहाँ आज़ाद महसूस करेंगे। अस्पताल में जिन बच्चों के साथ ये सब हुआ है उनके जख्मों पे मरहम लगाने तक के लिए सरकार तैयार नहीं है। जो लोग जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं उन लोगों को वो लोग बर्खास्त कर रहे हैं। तो ये सब जो है श्रद्धांजलि उन लोगों को हमने दी है, उनके दर्द को शेयर किया है हम लोगों ने, उनके साथ हम लोग खड़े हैं ये हमने यहाँ पर बताया है। ये तो देखिए साफ है, जब आप जानते हैं कि अगर उनका नाम कपिल नहीं होता और कपिल होता तो शायद ये सब नहीं होता। ये इस देश का माहौल बन चुका है, उसी चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए, इसी मानसिकता से हमें अब आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। और मुख्यमंत्री जी का जो रोल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिए हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली हरकतें हैं। वो सब जो काम है उसी चीज उन्हीं हरकतों से उन्हीं उनके मानसिकता से हम लोगों को आज़ादी चाहिए। डॉक्टर कफील ने जो कुछ किया है वो उसके सबूत जो हैं आज तक चैनल क्लियर कह चुका है। डॉक्टर कफील ने जो किया है उसके उनके पास सबूत हैं। उन्होंने जो भागदौड़ की है रातों में अपनी गाड़ियां लेकर के वो सिलेंडर लेकर के आए हैं, आज तक पे उसके सबूत हैं। तो सरकार क्यों इस चीज़ से भाग रही है? आज तक के पास इस चीज़ के सबूत हैं कि सरकार को जानकारी थी। देखिए योगी आदित्यनाथ को बचाए जाने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी को भी बचाए जाने के लिए, हेल्थ मिनिस्टर को बचाए जाने के लिए, बीजेपी की सरकार बचाए जाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े ये मृत्यु हुई है, इतनी हत्याएं की गई हैं बच्चों की लापरवाही से। क्योंकि जब न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं उनके पास सबूत है कि सरकार को इस चीज़ की जानकारी थी, तो इन हत्याओं से भागने के लिए अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दो दिन पहले योगी आदित्यनाथ वहाँ रहे हैं, क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ वहाँ कितने सालों से हैं? लोकसभा में वो वहाँ से हैं, क्या वो वहाँ अपने क्षेत्र में तब नहीं जाते होंगे? अपनी लोकसभा को नहीं देखते होंगे? वहाँ के अस्पतालों की जिम्मेदारी तब उनकी नहीं थी? और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं और आज जब उस परिवार के वंश जिन्होंने एक रेल हादसे पे इस्तीफा दे दिया था वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? जी मेरा नाम राजू पाशा, मैं रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी मैं भी प्रोटेस्ट में आया। सर ये प्रोटेस्ट करने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्या गोरखपुर में जो हमारे कुछ बच्चे वहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से डेथ कर गए, इसकी पूरी जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ की बनती है। उन्हें एक व्यक्तिगत तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि वो वहाँ से 1992 से वहाँ से वो एमपी भी हैं। वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो मौतें हुई हैं वो गंदगी से हुई है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के सांसद कौन है, वहाँ पर सरकार किसकी है, ये जिम्मेवारी किसकी बनती है वहाँ पर साफ़ सफाई की? उनके पास सबसे दुख की बात ये है कि उनके पास 15-15 करोड़ में विधायक खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन 70-68 लाख रुपए उन्हें ऑक्सीजन के देने के लिए नहीं है। ये बहुत निंदनीय बात है। हाँ जी हमें उनका इस्तीफ़ा चाहिए। और जो उनके स्वास्थ्य मंत्री जी ने सिद्धार्थ जी ने जो बयान दिया है कि अगस्त के महीने में बच्चे मरते हैं, तो बहुत उनका शर्मनाक बयान है। उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। लोगों में काफ़ी गुस्सा है जिस तरीके से गोरखपुर में जो घटना घटी है उसके बाद योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं वो गंदगी को उसका कारण बता रहे हैं, बच्चों की मौत का कारण बता रहे हैं और बातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी पर लोगों ने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जिन्हें कुत्ते के बच्चे के मरने पर दुख होता है उन्हें 60 बच्चों के मरने पर क्या कोई दुख नहीं हुआ? अभी तक नरेंद्र मोदी की कोई टिप्पणी नहीं आई है जिसकी वजह से ये लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं। मैं विक्रम सिंह, जंतर मंत्र, नेशनल इंडिया न्यूज़।